ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर परिषद हमीरपुर में एसडीएम हमीरपुर शशिपाल नेगी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें नगर परिषद के जेई सहित उपाध्यक्ष पार्षद और कर्मचारी उपस्थित रहे। मीटिंग में शहर को और बेहतर बनाने के लिए चर्चा की गई। शहर की सफाई और गीले व सूखे कूड़े के सही निष्पादन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। नगर परिषद हमीरपुर में एसडीएम हमीरपुर शशिपाल नेगी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें नगर परिषद के जेई सहित उपाध्यक्ष पार्षद और कर्मचारी उपस्थित रहे। मीटिंग में शहर को और बेहतर बनाने के लिए चर्चा की गई। शहर की सफाई और गीले व सूखे कूड़े के सही निष्पादन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड में 10 पौधे लगाए जाएंगे। इनके लिए पार्षद वार्ड में 10 सार्वजनिक जगह चिन्हित कर उपमंडलाधिकारी को बताएंगे। शहर को हरा भरा बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इन पेड़ों में फलदार छाया वाले पौधे शामिल होंगे ताकि धूप होने पर लोग पेड़ की छाया में खड़े हो सकें। इस पर सभी वार्ड पार्षदों ने सहमति जताई है। इसके साथ डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपमंडलाधिकारी ने सड़क किनारे लोगों के चलने के लिए अलग से कच्ची जगह पर पेवर टाइलें बिछाकर रास्ता बनाने का सुझाव दिया ताकि लोग सड़क के बजाय उस रास्ते पर चल सकें। इससे लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और वाहन चालकों को भी सुविधा मिलेगी। बैठक में पार्किंग का मुद्दा भी उठा। शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने को लेकर चर्चा की गई। नई पार्किंग बनाने के लिए जगह ढूंढने को कहा गया। उपमंडलाधिकारी ने नगर परिषद अधिकारियों को कार्यालय में सोलर पावर पॉइंट लगाने को कहा ताकि कार्यालय का बिजली बिल कम हो सके। इसके लिए उपमंडलाधिकारी हिम केयर ऊर्जा वालों से बात करेंगे। इस दौरान शहर के स्ट्रीट लाइटों की मुरम्मत और उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया कि सप्ताह में 2 दिन हर वार्ड को स्ट्रीट लाइटों को लेकर निरीक्षण किया जाए। वहीं खतरनाक अपशिष्ट के लिए शहर में अलग से जगह चिन्हित की जाएगी। इन्हीं स्थानों पर खतरनाक अपशिष्ट खराब मोबाइल और दवाइयां फेंकी जाएंगी। इसमें अन्य कूड़ा कचरा नहीं फेंका जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष दीप बजाज, कनिष्ठ अभियंता अश्वनी, सफाई इंचार्ज रजिंदर कुमार शर्मा, बुद्धि सिंह, पार्षद अश्वनी, मनोज कुमार, अनिल कुमार, वीना कुमारी, शकुंतला देवी, रीता शर्मा, आशा रानी, रीता खन्ना आदि मौजूद रहे। उपमंडलाधिकारी शशिपाल नेगी ने कहा कि शुरुआत में 10-10 पौधे लगाए जाएंगे। इसके बाद और पौधे लगाने का प्रयास किया जाएगा। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 4 की पार्षद रीता खन्ना अपने वार्ड की सफाई का टेंडर खुद लेंगी। इसके लिए वे अपने साथ वार्ड में बने स्वयं सहायता समूह को जोड़ेंगी। वे स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर वार्ड की सफाई का जिम्मा संभालेंगी। वार्ड को सुंदर बनाने और महिलाओं को आगे लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा, वहीं लोग भी इससे प्रेरित होंगे। इसके लिए प्रशासन भी सहायता करेगा। हमारी जो हमारे एमसी हमीरपुर के जो जितने भी काउंसलर्स हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के साथ हैं हमारे, और साथ ही हमारे जो एमसी के यहाँ के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ आज हमने एक बैठक का आयोजन किया। मेन इसका मुद्दा यही था, जो एमसी का मेन उद्देश्य है उसी पर हमने चर्चा की है आज, कि कैसे जो है हम अपने शहर को जो है वो कैसे बेहतर बना सकते हैं, और जो सुविधाएं यहाँ पे लोगों को दी जा रही हैं उसमें और कैसे सुधार कर सकते हैं। और एक क्योंकि अब आने वाले समय की यही ज़रूरत है, क्योंकि हिमाचल में जैसे जो है वो अर्बनाइजेशन अब बहुत स्पीड से बढ़ेगी, क्योंकि अभी आज के दौर में जो है वो कम से कम 10% लोग भी जो हैं वो शहरों में रहते हैं, लेकिन अगले 10-15 सालों में जो है ये जो परसेंटेज है ये 40-50% तक भी बढ़ जाएगी। जैसे आप देख रहे हो हमीरपुर शहर जो आप फैल फैल के कितना बड़ा हो गया है, तो आने वाले दिनों के लिए भी बहुत चुनौतियां हैं। तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी हम सभी ने जो है ये निर्णय लिया है कि हम एक जो है वो 5-6 महीनों के अंदर जो है एक अपना विज़न डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करेंगे हमीरपुर के लिए, हमीरपुर शहर के लिए, ताकि जो आने वाली जो लॉन्ग टर्म जो हमारी ज़रूरतें हैं शहर की, उसके ऊपर जो है एक अच्छा सा हम एक खाका तैयार कर सकें, और उस पर जो है फिर वो काम जो है वो हो पाए, चाहे वो पीने के पानी से रिलेटेड हो, पार्किंग से रिलेटेड हो, या सड़कों से, नालियों से रिलेटेड, या और भी जो सुविधाएं हैं उनके रिगार्डिंग जो है एक अच्छा सा विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाली जो चुनौतियाँ रहेंगी उस पर हम जो है वो अभी से ही जो है वो तैयार रहें। पानी जो है कैसे बेहतर तरीके से हम लोगों को यहाँ जो जितने लोग, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक लौता शहर है, ये बड़ा शहर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो कैसे जो है वो क्वालिटीफुल वाटर जो है लोगों को उपलब्ध करवाया जाए, जो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, जहाँ जहाँ
अच्छे चल रहे हैं बेहतर, तो बाकी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं उनकी भी कैसे जो दशा है वो सुधारी जाए, जहाँ नए बन सकते हैं उनकी भी हम जगह की तलाश करेंगे और कमेटी के साथ मिलकर जो है वो उनको अच्छे से बनाएंगे, या सरकार से जहाँ जहाँ पैसा मुहैया कराने की बात होगी सरकार को भी प्रपोजल भेजे जाएंगे एमसी की तरफ से, और जहाँ जहाँ पार्किंग के लिए व्यवस्था हो, प्लस इसके अलावा जो हमारा जीआईएस का है ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कुछ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जीआईएस का सर्वे वगैरह करवाया जाए, ताकि जो हमारे एमसी के असेट्स हैं या एमसी के जितने हाउस होल्ड्स हैं प्रॉपर्टी टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी हम प्रॉपर टैगिंग कर सकें, और साथ ही जो हमारी सीवरेज की लाइन्स है, मतलब एमसी का जितना नेटवर्क है उसको हम जीआईएस नेटवर्क के द्वारा जो है वो उसको एस्टेब्लिश कर पाएं, ताकि हमारा जो एमसी का काम है, क्योंकि मैन पावर की हर जगह शॉर्टेज है, ताकि उसको बेहतर तरीके से और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है कैसे बेहतर तरीके से करके, ताकि जो लोगों का जो डाटा है प्रॉपर यहाँ पे आ सके और जो काम जो है वो और बेहतर तरीके से जो है वो हो सके। ये हमारे क्योंकि शहर जो हैं वो डे बाय डे फैल रहे हैं, कंक्रीट जंगल की तरह बनते जा रहे हैं, बहुत ज़रूरत है कि इन्वायरमेंट का भी डिग्रेडेशन ना हो और एक स्वच्छ इन्वायरमेंट भी जो है वो उपलब्ध हो, क्योंकि हमारे उपायुक्त महोदय का भी यही एक उद्देश्य है, वो भी प्लांटेशन को लेकर बहुत अग्रसर रहते हैं, उनके भी निर्देश हैं कि हम इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम करें, तो हमारे सारी एमसी मिलके भी जो है हम इसको प्लांटेशन के लिए भी पूरा काम करेंगे, और हमने ये रखा है कि हम हर वार्ड में जो हमारे काउंसलर्स हैं सारे वो एटलीस्ट 10-10 लोकेशंस जो हैं जो मोस्टली पब्लिक प्लेसेस हैं, हमारी प्रायोरिटी होगी कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो वहाँ पे प्लांटेशन करें, और अगर नहीं होगी तो हमारे काउंसलर जो हैं वो दूसरी जगहें देख के एटलीस्ट 10-10 जो हैं वो हम जगह आइडेंटिफाई करें, ताकि इस मानसून सत्र के दौरान जो है वो हम इन जगहों पे प्लांटेशन कर सकें, इससे ज़्यादा भी हम करेंगे लेकिन एटलीस्ट 10-10 तो है वो हर काउंसलर अपने अपने वार्ड में जो है वो आइडेंटिफाई करें। आपने बड़ा वाजिब प्रश्न ये उठाया है, क्योंकि सरकार की ओर से भी और विभिन्न संस्थाओं की ओर से भी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि अब जो सोर्स पे जो है वो कूड़े को जो है वो सेग्रीगेट किया जाए, एमसी की तरफ से ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सा कदम उठाए जा रहे हैं यहाँ पे हमीरपुर में भी, कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई भी काम जो है वो जनता के सहयोग से बिना जो है पब्लिक के सहयोग से बिना नहीं हो सकता, तो लोगों को अवेयर भी किया गया है कि आप अपने घरों पे ही जो है वो गीला कचरा है सूखा कचरा है उसको बिल्कुल अलग अलग रखें, ताकि हमारे जो कर्मचारी यहाँ से जाते हैं उनको भी कूड़ा उठाने में दिक्कत ना आए, और आगे जब आप क्योंकि जब आप इतना कूड़ा इकट्ठा करके एक साइड पर लेके जाते हो वहाँ सेग्रीगेट करने में बहुत समस्या आती है, क्योंकि अब जो है वो वेस्ट जो है वो वेल्थ का रूप ले चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे अर्बन एरिया बढ़ेंगे तो ये जो है वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी चैलेंज होगी, और अगर हम इसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारे लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अगर हर पोर्शन को अलग अलग से किया जाए तो उसका कहीं ना कहीं जो है वो यूज़ रहता है। जैसे आज हमने ये भी कोशिश की है कि क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एमसी ने पहले डिसीज़न ले लिया है कि जैसे हर वार्ड पर जो है वो एक ठेकेदार को जो है वो कम से कम कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से जहाँ तक संभव होगा, क्योंकि और भी उसमें काफ़ी औपचारिकताएँ रहती हैं, तो अगर एक वार्ड पे जो है वो एक ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो उसको जो है मेरे को लगता है उससे और अच्छे से जो है उसको मैनेज करने में बहुत आसानी आएगी, और जो हमारा सोर्स पे सेग्रीगेशन का जो लक्ष्य है उसको हम बहुत अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। साथ ही हमने ये भी कोशिश करें क्योंकि मोस्टली लोग बाहर से होते हैं जो ठेकेदार के साथ लोग होते हैं और बीच में वो कहीं दूसरे काम पे भी निकल जाते हैं कहीं छोड़ के चले जाते हैं तो उससे भी एमसी को जो है वो और दिक्कत आती है, तो हमने ये रखा है कि यहाँ पे हमारे जो वार्ड नंबर 4 के हमारे काउंसलर हैं उन्होंने भी जो है कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है, कोशिश करेंगे कि जो लोकल लोग हैं या जो हमारी लेडीज़ लोगों का समूह है उसको भी साथ जोड़ के, और क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा हो सकता है, ताकि अगर हम प्रोफेशनली इस काम को करें तो हमारे लोकली जो है ये अगर मूवमेंट बने तो यहीं से ही जो है वो हमारे लोग जो है इस काम के लिए तैयार हो सकते हैं।